हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबिटर। आज आपसे बात करने वाले हैं हम यहाँ पर रियलमी C21 Y के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के इन 2B स्मार्टफोन से। दोस्तों जानेंगे हम दोनों ही फोन्स में आपके लिए यहाँ पर कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका बजट जो है यहाँ पर 8,000 रुपये तक का है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, काफ़ी सारी आपकी हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम इसके स्पेक्स के एंड बात करेंगे फिर उसके बाद प्राइसिंग के बारे में एंड अपने ओपिनियन के बारे में, मेरे क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में। तो सारी बातें करने वाले हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हम इसके स्पेक्स से। तो Realme C21 Y में जो है आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जो कि यहां पर आपको HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। साथ ही तो यहां पर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है ग्लास की, लेकिन ये नहीं पता है कौन सा ग्लास यहां पर यूज किया गया। वहीं अगर दोस्तों बात करें माइक्रोमैक्स इन 2P की तो यहां पर भी आपको सेम 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है एंड यहां पर भी आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर ग्लास वगैरह का यूज नहीं किया, प्रोडक्शन की यूज नहीं किया गया। तो इस मामले में दोस्तों यहां पर जो है रियलमी का डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। हालांकि दोस्तों मुझे ग्लास कंफर्म नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी की, दोस्तों आपको इस बजट रेंज के अंदर आपको जो है HD+ ही डिस्प्ले देखने को मिलता है तो उसमें कोई भी बात नहीं है। दोस्तों यहां पर दोनों में ही आपको जो है HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके दोस्तों बात करते हैं हम कैमरे की, तो आपको जो है यहां पर Realme C21 Y के अंदर मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेट, जिसमें आपको जो है प्राइमरी कैमरा दिया गया 13 MP का, साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल के यहां पर मैक्रो एंड डेप्थ कैमरा मिल जाते हैं जो कि हम एक तरह से यहां पर दोस्तों यूजलेस कैमरा इन्हें बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगर हम फ्रंट कैमरे की तो आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं हम बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम जो है माइक्रोमैक्स इन 2B की तो इसके अंदर आपको डुअल रियर कैमरा सेट दिया गया है, जिसमें आपको जो है यहां पर 13 MP का फ्रंट रियर कैमरा दिया गया है एंड आपको 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर डेप्थ मिल जाता है। यहां पर भी दोस्तों आपको एक यूजलेस कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो सेम यहां पर भी आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर कैमरा क्वालिटी की, दोस्तों आपको दोनों में ही काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि इसमें आपको एक कैमरा एक्स्ट्रा दिया गया जो कि मैक्रो शॉट है। अगर हम दोस्तों सीधा कंपेयर करते हैं, अगर टेक्निकली अगर देखें तो दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों में। दोस्तों हमें 2 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिलते हैं, हाँ तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर कैमरा क्वालिटी में दोस्तों रियर एंड फ्रंट दोनों ही यहां पर मतलब जो है एक तरीके से सेम ही परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहां पर भी हमें दोस्तों बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगर मैं यहां पर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों यहां पर जो है इस बार मतलब दोनों ही फोन में खास प्रोसेसर का यूज किया गया जो कि आता है यूनिसॉक की तरफ से, यूनिसॉक T610 जो कि 12 NM पर बेस्ड है। ये दोनों ही फोन्स में हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है और साथ ही अभी हमें एंटीट्यूड स्कोर भी बताऊंगा इसको, जिसको आपको यहां पर कंफर्म हो जाएगा अच्छे से यहां पर। इसके अलावा अगर गेमिंग की बात करते हो तो यहां पर आप गेमिंग भी कर पाओगे, काफी अच्छे से कर पाओगे और यहां पर BGMI एंड जो है आप SOD वगैरह खेलना चाहते हो तो बड़े ही आराम से यहां पर खेल पाओगे। साथ ही अगर बात करें फ्री फायर की तो वो दोस्तों काफी अच्छी सेटिंग्स पर यहां पर खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल जो यहां पर एंटीट्यूड स्कोर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो एंटीट्यूड स्कोर है वो 1,85,000 के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों जो यहां पर मतलब एंटीट्यूड नंबर है तो वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों कोई भी डाउट मत नहीं करिएगा, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों में परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों एक बात मैं जरूरी बता देता हूं आपको, जब आप यहां पर गेमिंग वगैरह करेंगे तो आपको दोनों में ही यहां पर हीटिंग इशूज की प्रॉब्लम जरूर से हो सकती है, क्योंकि 12 NM पर है तो थोड़ा सा हीटिंग इशूज जरूर से देखने को मिल सकता है। वहीं इसके दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर हम बैटरी की, तो आपको दोनों ही फोन के अंदर जो है 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यहां पर रियलमी के अंदर क्या है एक खास बात है, दोस्तों यहां पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यहां पर रियलमी थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहां पर रिवर्स चार्जिंग यानी कि अपने फोन से आप किसी दूसरे डिवाइस को भी यहां पर चार्ज कर पाओगे जो कि एक काफी अच्छी बात होती है। लेकिन वही माइक्रोमैक्स की बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ ही यहां पर 10 W की जो है चार्जिंग देने को मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर रियलमी थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहां पर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बाकी दोस्तों और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगर यहां पर हम जो है सिक्योरिटी फीचर की, तो दोस्तों दोनों ही फोन के अंदर जो है आपको यहां पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज किया गया है एंड वहीं अगर बात करें फेस अनलॉक की तो वो भी आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पर भी हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम यहां पर OS की, तो आपको रियलमी के अंदर इस बार जो है स्पेशल UI देखने को मिल जाती है, जो कि रियलमी जो रेगुलर वर्जन है यानी रियलमी UI 2.0 उसका आपको यहां पर जो है लाइट वर्जन देखने को मिलता है, रियलमी UI R वर्जन जो कि यहां पर लाइट वर्जन है एंड आपको कुछ फीचर्स दोस्तों यहां पर रेगुलर UI से कम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो यहां पर एक्सपीरियंस होगा वो काफी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक लाइट वर्जन है तो उस हिसाब से जो प्रोसेसर यहां पर दिया गया है तो परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। एंड अगर हम बात करते हैं यहां पर माइक्रोमैक्स की, दोस्तों यहां पर एक एंड्रॉइड 11 देखने को मिलने वाला है जो कि एक स्टॉक एंड्रॉइड है, यहां पर बिल्कुल एकदम क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, कोई ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा।
मिलेगा। लेकिन भाई अगर बात करते हो रियलमी की, दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर पाओगे। इसके दोस्तों बात करते हैं अगर हम रैम एंड स्टोरेज की, तो आपको जो है यहाँ पर रियलमी C21 Y के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि पहला आता है 3GB RAM, दूसरा दोस्तों यहाँ पर आता है 4GB RAM। अगर बात करें यहाँ पर रैम ऑप्शन की, दोस्तों यहाँ पर DDR4X RAM का यूज़ किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टोरेज टाइप की हम, तो यहाँ पर जो आपको AMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर पहला आता है 32GB स्टोरेज एंड दूसरा आता है यहाँ पर 64GB स्टोरेज। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम सेम यहाँ पर माइक्रोमैक्स की, तो इसके अंदर आपको दो रैम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि पहला आता है 4GB RAM, दूसरा आता है 6GB RAM। यहाँ पर भी आपको DDR4X RAM का यूज़ किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम स्टोरेज की, तो यहाँ पर भी आपको AMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर हम स्टोरेज ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर जो है 64GB एंड आपको यहाँ पर 64GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर मतलब एक ही स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर उसमें रैम वेरिएंट थोड़ा सा एक वेरिएंट ज़्यादा मिलता है 6GB RAM, जो कि मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर मतलब एडवांटेज नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 4GB इनफ रहता है इस प्राइस रेंज में एंड इस प्रोसेसर के हिसाब से। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं एक तरीके से बोलूंगा दोनों में ये सेम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर तो एक फर्क देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको 4GB वाला वेरिएंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 3GB एंड 32GB मिल रहा है। तो इस मामले में दोस्तों यहाँ पर माइक्रोमैक्स जो है वो आगे निकल जाता है यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों वहाँ पर उस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलता है 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है माइक्रोमैक्स के पास में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके दोस्तों बात करते हैं अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी फीचर की, तो आपको दोस्तों दोनों ही फोन जो यहाँ पर डुअल 4G सिम सपोर्ट के साथ आते हैं। साथ ही आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों मिलता ही है। एंड अगर बात करते हैं 3.5mm जैक की, जो कि काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर, वो दोनों में देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एडिशनल फीचर्स की, और इसके दोस्तों आपको यहाँ पर वाइड बैंड L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स अमेजॉन वगैरह पर फुल HD में कंटेंट वॉच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो है फुल एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको दोनों में ही HD+ का डिस्प्ले दिया जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली इसके हम प्राइसिंग के बारे में, दोस्तों प्राइसिंग क्या है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा मतलब सेगमेंट है वो चेंज होने वाला है, यानी कि हमारे ओपिनियन बदलने वाले हैं, आपके ओपिनियन बदलने वाले हैं। यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग निकल के आती है रियलमी C21 Y की, इसमें जो इसका बेस वेरियंट आता है वो आता है 3GB RAM एंड 32GB स्टोरेज। इसकी जो दोस्तों प्राइसिंग है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आती है 8,999 रुपये, यानी कि 9,000 रुपये की प्राइस में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हो दोस्तों माइक्रोमैक्स की, तो इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर जो मतलब जो प्राइस स्टार्टिंग होती है तो वो होती है 7,999 रुपये से, जो कि यहाँ पर अभी इससे पहले थी, लेकिन अभी अगर आप लेने जाओगे तो दोस्तों उस पर 500 रुपये इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर 500 रुपये तो बढ़ा दिए, वो अपनी केवल परफॉर्मेंस एंड क्योंकि स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस प्राइस पर जो होता काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर 500 रुपये बढ़ा भी दिए गए तब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। साथ ही दोस्तों ये स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक दोस्तों स्टॉक में नहीं था, क्योंकि इतना गजब का स्मार्टफोन है ये। इसमें आपको जो 8,000 रुपये की प्राइस में मिल रहा था 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज वेरियंट, लेकिन दोस्तों अब 500 रुपये इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि अब ये 8,499 रुपये की प्राइस में मिलेगा। और अच्छी बात तो यह है कि अभी स्टॉक में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों सारे खेल की, तो यहाँ पर कतई खेल चेंज हो जाता है इस मामले में। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा माइक्रोमैक्स है ये दोस्तों आगे निकल जाता है, ओवरऑल स्पेक्स भी दोस्तों में सेम में मिलते हैं, तो माइक्रोमैक्स यहाँ पर दोस्तों बाजी मार ले जाता है। यहाँ पर जो है आपको 4GB RAM 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एकदम डबल देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको 9,000 रुपये की प्राइस में 3GB RAM 32GB स्टोरेज आ रही है, लेकिन वहीं आपको दोस्तों इसका सेम डबल देखने को मिलता है एंड उससे 1,000 मतलब जो 500 रुपये दोस्तों आपको कम प्राइस भी यहाँ पर देनी पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो फाइनली दोस्तों आप बात करते हैं फिलहाल के लिए अपने ओपिनियन की, तो मेरे क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपके लिए यहां पर माइक्रोमैक्स का ये स्मार्टफोन काफी बेटर रहने वाला है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप रियलमी की ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं तो यहां पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको ब्लॉटवेयर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर जो UI दी जा रही है वो इस बार दोस्तों यहां पर लाइट वर्जन दी जा रही है, यानी कुछ फीचर्स भी आपको यहां पर मिसिंग देने को मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी यहां पर चाहते हैं कि हमें रेगुलर UI चाहिए दोस्तों, उनके लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन नहीं, क्योंकि यहां पर आपको लाइट वर्जन दिया जा रहा है, तो इस बात का आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। और मेरे ख्याल से आगे भी दोस्तों रियलमी अपने जो एंट्री लेवल फोन होंगे, बजट लेवल फोन होंगे, उनमें दोस्तों यहां पर लाइट वर्जन ही देने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों दोनों में ही यहां
यहाँ पर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो मतलब प्लस पॉइंट है वो माइक्रोमैक्स के पास है, वहाँ पर हमें वेरियंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसको अगर यहाँ पर कैमरा दिया गया है तो उसका अगर ये चार्ज कर रहा है तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। ओवरऑल दोनों में हमें डिजाइन बिल्ड की बात करते हो दोनों में हमें दोस्तों प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है एंड देखने में भी दोस्तों में जो है दोनों ही फोन जो है अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कोई भी फोन बेकार लगता, दोनों ही फोन का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। वही दोस्तों बात करें अगर रियलमी के अंदर तो आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिलता है रियलमी के अंदर, माइक्रोमैक्स का भी डिजाइन दोस्तों काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा दिया गया है एंड यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करें दोनों ही फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन दोस्तों मेन आता है प्राइस पॉइंट पर हमारा बजट कितना है। बजट रेंज के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स यहाँ पर क्लियर विनर निकल के आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा विनर जो है वो माइक्रोमैक्स है, तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये थे मेरे ओपिनियन दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फटाफट इंस्टाग्राम पर दोस्तों आप डीएम कीजिए, यहाँ पर फॉलो कीजिए मुझे और डीएम कर दीजिए। आपको दोस्तों तुरंत के तुरंत यहाँ पर दोस्तों जो 100% आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मैं तुरंत तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सा लेट हो सकता है। एंड आप दोस्तों अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों जानना चाहते हैं, यहाँ पर मतलब कोई भी फोन का अपडेट है अगर आप उससे पहले लेना चाहते हैं यूट्यूब से पहले, तो दोस्तों आप मुझे ट्विटर पर जरूर से फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपडेट रहता है लीक्स वगैरह होते तो वो दोस्तों मैं यहाँ पर ट्विटर पर शेयर कर देता हूँ, जरूर से ट्विटर पर फॉलो करें मुझे। एंड दोस्तों फॉलोवर जल्दी जल्दी बढ़ाए दोस्तों, अभी मेरे केवल 9 फॉलोवर हैं ट्विटर के ऊपर, दोस्तों जल्दी से इसको बढ़ाएं यहाँ पर, क्योंकि सारी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर दोस्तों आप फैन है टेक्नोलॉजी के, इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में, तो ट्विटर पर जाकर जरूर फॉलो कर लें। साथ ही अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर और भी कोई कंपैरिजन देखना हो आपको इस जो है स्मार्टफोन के साथ में तो कमेंट में जरूर बताएगा, मैं जरूर से कोशिश करूंगा लाने की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।